तालिया एक बार सभी के लिए स्वागत है सर आप सभी का मंच पर आशीष झा साहब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा जी। कोचिंग को लेकर जिस तरीके से ग्रोथ हुई है कुछ सालों में राजस्थान शहर की मुझे लगता है कि जितनी चर्चा में होता है और कोविड के दौरान जब बसें यहां से भर भर के जा रही थी तब हमने देखा कि वाकई में यहां की यहां पर लोगों का फीत कितना है लेकिन सफलता की जो गुंजाइश होती है हम बोर्ड तो यहां पर देखते हैं लेकिन जो बच्चे आते हैं उन बच्चों के सपने क्या वाकई में इस शहर से पूरे होते हैं वो बच्चे वाकई में जिस उम्मीद के साथ आते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ बच्चों का नहीं उनके माता पिता का भी सपना होता है जी जी हर माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चों को वो बेस्ट सुविधाएं दें और कोटा की कोचिंग को अगर हम ध्यान से देखें तो जिस तरीके की उनको फैसिलिटी दी जाती है अकेडमिक्स हॉस्टल मेस तो सारी जो सुविधाएं दी जाती हैं वो बेस्ट दी जाती है अब कंपटीशन इतना टफ है हर बच्चा तो नहीं क्वालिफाई कर सकता लेकिन ये जरूर है कि हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, और बच्चे बहुत मेहनत भी करते हैं उनमें ज्यादातर बच्चे तो सक्सेस पा लेते हैं कुछ नहीं भी पाते हैं बट जो नहीं भी पाते हैं वो भी करियर में अपने अच्छा कर पाते हैं बिकॉज एक उनको एक अच्छा अनुभव मिलता है जिसके बाद शायद हो सकता है कि वो एक साल ड्रॉप करके फिर से तैयारी करें और फिर से वो जो है उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं कोचिंग का भविष्य क्या है कोटा में अब तो हर जगह देख रहे हैं कि पूरी तैयारियां करवाई जा रही है इसका भविष्य कितना लंबा है क्या है कोचिंग देखिए मेरे ख्याल से बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। क्योंकि बुक में तो सारी चीजें दी हुई है लेकिन एक मेंटर का होना बड़ा जरूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये जानना जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं है। जो कि सेल्फ स्टडी के माध्यम से हर बच्चा नहीं कर सकता कहीं ना कहीं एक कंप्लीट अकेडमिक सिस्टम चाहिए जहां पे एक अच्छा शिक्षक चाहिए साथ में आपको पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए चाहे वो डाउट क्लियरिंग की सपोर्ट हो असाइनमेंट्स हो एक्सरसाइज सीट हो डीपीपी हो तब जाके बच्चे की सफलता निकलती है तो इसलिए कोचिंग जहां तक आईआईटी नीट की या हम ओलंपियाड के बी पी की बात करें तो कोचिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है सर जीवन ज्योति अग्रवाल साहब मेरा सवाल आपसे है सर ये बताइए कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है और जो शिक्षित है वो इस बात को समझता है आप लोग इतने टैलेंट तैयार करते हैं देश की शिक्षा प्रणाली में या देश को आगे बढ़ाने में कोटा से जो बच्चे तैयार होते हैं या कोचिंग का कितना रोल होता है कितना महत्वपूर्ण योगदान है देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा परसेप्शन लोगों में जनमानस में कभी कभी डेवलप हो जाता है कि कोचिंग उतनी प्रासंगिक नहीं है या कोचिंग है तो एजुकेशन का हिस्सा लेकिन इसे उपेक्षा की जाती है उसको उतना सम्मान देने की कोशिश नहीं की जाती है जितना सम्मान कॉलेज एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के अंदर मिलती है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एंशियंट कोचिंग क्लासेस थी द्रोणाचार्य क्लासेस का नाम हम सबने सुना हुआ है 105 स्टूडेंट उसके बहुत फेमस हुए थे और जो छठे ने वन हंड्रेड एंड सिक्स ने अप्लाई किया था उसको एडमिशन नहीं मिल पाया था एंड वी आर नो वी आर वेल अवेयर अबाउट दैट कोचिंग सिस्टम और अर्जुन वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दैट कोचिंग क्लास कोचिंग इज यू कैन कॉल इट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम हम चाहे म्यूजिक में जाए चाहे हम स्पोर्ट्स में जाए हम ब्यूरोक्रेसी में जाए आर्मी में जाए ट्रेनिंग इज मस्ट वेन एवर ए न्यू एस्पिरेंट विल कम ही नीड अ ट्रेनिंग तो हम किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर दस हजार सीट हैं और बारह लाख बच्चे अपियर होना चाह रहे हैं और वो एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो दे नीड एक्सपर्ट एडवाइस एक्सपर्ट गाइडेंस सो इट इज अनेबल वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज डेवलप्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्कम एंड वी आर प्लेइंग ए वेरी वेरी वर्सटाइल रोल आई हाईलाइट द थ्री पॉइंट ऑफ इट द फर्स्ट वन इज एकेडमिक एक्सीलेंस द सेकेंड वन इज इनोवेशन इन टीचिंग and third one is social service i would like to take attention of every one of you in fact anyone who have a perception about coaching coaching is a very important playing very important role the first one which i told you ki hum kis tarah the first one is academic excellence let's talk about that School के अंदर मैं मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि मैं अगर किसी के बारे में कह रहा हूं तो वो किसी व्यक्ति या किसी संस्था के बारे में नहीं है स्कूल के अंदर जो बच्चे तैयार होते हैं अगर उनके लिए ये इन, इनफ होता कि वो एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सके तो कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी नहीं एग्जिस्ट करता ऐसा नहीं कि स्कूल वाले नहीं चाहते दे आर डूइंग देयर बेस्ट बट बिकॉज ऑफ सम रीजन और अदर आफ्टर इंडिपेंडेंस हम हर चीज में ग्रो कर रहे हैं लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम में कहा ग्रोथ हुई जो एटीन uh, फोर्टी के अंदर जब हम आजाद हुए तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे वो लगभग वही रहे hmm. जो हमारा सिस्टम बल्कि कानून भी हमें बताए गए हैं 200 साल 150 साल 100 साल पुराने कानून अंग्रेजों के जमाने के एज इट इज है तो एजुकेशन के अंदर भी यही हुआ जो मैकॉलेज सिस्टम था दैट सिस्टम हैज बीन एडोप्टेड एज इट इज हम लोग ग्रो कर रहे हैं हम लोग इनोवेट कर रहे हैं हम इवॉल्व हो रहे हैं एज एज ए कंट्री एजुकेशन के ऊपर उतनी फ्रीडम नहीं रही और कोचिंग एक एक था जैसे अगर हम किसी बलून को दबाते हैं प्लेटफॉर्म है। तो दिया इनोवेशन का एक जरिया दिया तो एकेडमिक एक्सीलेंस इतना बेहतरीन है कि यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथर सब्जेक्ट वो उस लेवल पर लेके जाते हैं बच्चे की सोच को एक दिशा देते हैं रेजोनेंस एडवेंचर सर ये अजय नागर साहब आप इससे बिलोंग करते हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं आईआईटी और मेडिकल में इसके रिजल्ट